जी हाँ, आपने जैसे बोला एक प्लेटफॉर्म पे बहुत धमाका किया और अब इट्स आई एम सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ बॉम्बे टाइम्स नाउ एंड आई वाज वॉकिंग द रैंप फॉर संध्या शाह. मैं आज ही लैंड हुई हूँ आर्मेनिया से और सीधा आई एम हियर ग्लैंड अप और आज मैं पहुँच गई यहाँ. एंड थैंक यू सो मच आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए. आई जस्ट लव्ड इट एंड वी ऑल्सो हैव संध्या हियर एंड थैंक यू संध्या, आपने मुझे इतना खूबसूरत दिखाया आज. एंड हम लोग यू नो इंडियन फंक्शंस में पहन सकते थे तो रिसोर्ट रिसोर्ट ही रह जाता है एंड वी डोंट गेट अ चांस टू यूज इट इन डिफरेंट वेज. सो या तो आई थिंक ये आउटफिट पहनने के बाद मैं सीधा एक शादी के फंक्शन में जाने वाला हूँ. No kidding that way, but I think ये बहुत ही perfect outfit है. This is the kind of silhouette which is very western and the embroideries which Sandhya has, you know, the embellishment which she has put in it are very Indian. So I think it's a perfect Indo-Western wedding outfit and it's a perfect to start the Sangeet night. So I'm all geared up for it. I think fashion or trend हर दिन बदलता रहता है. देयर इज सो मच टेक्नोलॉजी विच हैज़ कम इन प्लेस एंड सो मेनी सिल्वर्स विच हैव कम इन प्लेस. बट एक चीज़ है, फैशन हमेशा बदलता रहा है बट आपका कॉन्फिडेंस नहीं बदलना चाहिए. सो आप एक नॉर्मल सा कपड़ा पहनो बट अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आपका कॉन्फिडेंस आपके फैशन में दिखेगा. राइट, आई थिंक मैंने बोला ना मैं अभी आर्मेनिया से आ रही हूँ तो मैं थोड़ी ऐसी थी तो जैसे ही मैंने अमेजिंग सा म्यूज़िक सुना तो और आप सब थे वहाँ पे तो डांस करना तो लाजमी था. और आई थिंक संध्या जी ने जो कलेक्शन बनाई है दिस इज़ फॉर संगीत, तो संगीत में अगर डांस ना हुआ तो क्या फ़ायदा. yeah?